आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है, उसका क्या पर्पस है, वो सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है जो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसको हम मोस्टली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी पहचानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो मेन यूज होता है, उसका मेन पर्पस है प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस अपडेट करना। जो भी कॉलेजेस में कंपनीज में प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। पहले पहले चलता था 2003 पावर पॉइंट 2003, उसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, 13 एंड 2016। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 चलता था, उसका एक्सटेंशन, उसका टाइप होता था .ppt, इट मीन्स पावर पॉइंट। लेकिन उसके बाद जो जो न्यू न्यू अपडेट्स आए हैं, न्यू वर्जन रिलीज होते गए हैं, इन सबका एक्सटेंशन, उन सबका टाइप हो चुका है .pptx, इट मीन्स पावर पॉइंट एक्सटेंडेड। स्पेशली कॉलेजेस में कहा जाता है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए पीपीटी में प्रोजेक्ट बनाने के आना, ppt x में प्रोजेक्ट बनाना, इट मीन्स पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट बनाना है। अब यहाँ पे जो है ये है हमारी एक स्लाइड, ये पावर पॉइंट, उसके अंदर ये फर्स्ट स्लाइड है। अगर आपको यहाँ पे दूसरी स्लाइड भी चाहिए तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl D ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल जितनी भी स्लाइड होती गई यहाँ पे आपको इंडिकेटर देता जाएगा टोटल कितनी स्लाइड है और अभी आप कौन से स्लाइड पे अपडेट है, यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहे। अगर आपको न्यू फ्रेश स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट प्रेस किया न्यू स्लाइड आ गई। अगर आप कीबोर्ड से चाहें तो कीबोर्ड से Ctrl MP प्रेस करके आप न्यू स्लाइड लेके आ सकते हैं, न्यू स्लाइड। अगर आपको न्यू फ्रेश प्रेजेंटेशन चाहिए तो फाइल में जाके न्यू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन, अदरवाइज कीबोर्ड से Ctrl N ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl N, ये क्लोज कर देते हैं। कंडीशन याद रखिए, Ctrl M इट मीन्स न्यू स्लाइड के लिए, Ctrl N न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। ये था आज का हमारा सिंपल टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।